हेलो भाई, मोहित बजाज के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है यार। ये लोग सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है भाई। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन बजाज की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे मॉडल वाइज। मज़ा भरपूर आने वाला है भाई इस वाले वीडियो में भी, एंड तक देखना प्लीज़। इंडियन मार्केट में बजाज 6 नाम से गाड़ियों को बेचता है, तो 6th नंबर पे है भाई डोमिनार सीरीज। फरवरी के महीने में दोनों गाड़ियों को कंबाइन, डोमिनार में दो मॉडल आते हैं ना, एक 250 वाला एक 400 वाला, तो इसीलिए दोनों मॉडल का बताया। फरवरी के महीने में दोनों गाड़ियों को कंबाइन 1281 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। जनवरी के महीने में 1202 यूनिट बिकी थी। लगभग 79 गाड़ियां यानी 79 गाड़ियां कह सकते हो ज्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फेज 2 आने वाला है लोगों को पता है, फिर भी यार डोमिनार का अच्छा सेल हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका डोमिनार भाई उतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे 1281 यूनिट कुछ ज़्यादा नहीं होता भाई एज ए प्रैक्टिकल देख के सोचो तो। खैर, डोमिनार 400 में अपने को 2 करोड़ ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। प्राइस आपको देना पड़ेगा 270,000 रुपये 400 वाला मॉडल लेने के लिए। पावर अपने को मिलता है 39.42 bhp का, टॉर्क अपने को मिलता है 35 Nm का। बाकी माइलेज की बात करते हो 30 तक माइलेज मिल जाता है, कर्वेट अपने को मिलता है 193 kg का। अभी 400 भाई मेरे को बहुत ही बीस्ट लगती है यार कसम से, कभी पैसा हुआ तो ले आऊँगा, लेकिन उतना पैसा होगा ही नहीं यार जल्दी, 270,000 रुपये कुछ होता है भाई। खैर ये सब छोड़ो यार, पैसा की बात छोड़ो भाई, पैसा का क्या है, आप चाहोगे तो आज मैं कमा सकता हूँ उतना पैसा। 5th नंबर पे भाई एवेंजर सीरीज। अभी एवेंजर में भी दो मॉडल मिल जाते हैं 160 और 220। दोनों गाड़ियों का कंबाइन फरवरी के महीने में 1920 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। जनवरी में 2076 यूनिट बिकी थी। लगभग 156 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी यहाँ पे 220 क्रूज के बारे में जानते हैं भाई, तो दो कलर ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं। 1,65,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड को हिसाब से 220 क्रूज। बाकी 18.76 bhp का पावर मिलता है, टॉर्क अपने को मिलता है 17.55 Nm का, 40 kmpl तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी कर्वेट अपने को मिलता है 163 kg का। देखो 220 क्रूज और 160 स्ट्रीट बहुत ही मतलब कंफर्टेबल गाड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग ट्रेवल वगैरह करना हो ना तो 2 लाख के अंडर में बेस्ट प्रोडक्ट है दोनों बजाज की तरफ से, बेस्ट एकदम कह सकता हूँ मैं। लोग बाग पसंद नहीं करते वो बात की बात है। 4th नंबर पे है भाई चेतक। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है भाई, हाल फिलहाल में इसका प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया गया, मैं आपको आगे बताता हूँ। फरवरी के महीने में इसकी 2634 यूनिट बिकी भाई पूरे भारत भर में। जनवरी के महीने में 3511 यूनिट बिकी थी। लगभग 877 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी चेतक में अपने को 7 कलर्स मिल जाते हैं भाई, जो कलर चाहिए वो आप बिंदास ले सकते हो। और गाड़ी भाई इतना प्रीमियम लगती है ना, IQ वगैरह कुछ नहीं है भाई इसके सामने। अभी मैंने बताया ना प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो देखो चेतक अब आपको 1,15,252 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पहले कहाँ भाई 1.5 लाख तक ऑन रोड जाता था भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता दाम सुन के, लेकिन अब तो चलो ठीक है 1,15 ठीक है भाई। इसमें अपने को पावर मिलता है 4,080 वॉट का, 20 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 90 किलोमीटर तक रेंज मिल जाता है। बाकी टॉप स्पीड अपने को मिलता है 63 kmph तक, जो कि ठीक है भाई एज ए प्रैक्टिकल यूज करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक भाई चेतक को नहीं देखा है रियल लाइफ में, आप इसी से समझ सकते हो कि चेतक कितना कम बिकती है। 3rd नंबर पे है भाई सिटी सीरीज। अभी सिटी के बारे में ही मैंने ऐसा बोला था, बजाज सोचते कुछ और हो जाता कुछ और है। पता है सिटी 100 आता था पहले भाई, हरदम टॉप 10 मोटरसाइकिल में आ जाता था सिटी सीरीज पहले, लेकिन जब से इन्होंने डिसकंटिन्यू करा है ना, तब से इतना गंदा सेल हो गया है पूछो मत। इन्होंने सोचा ना भाई कि सिटी 125X को लॉन्च कर देंगे और सिटी 110X को लॉन्च कर देंगे तो बहुत ही अच्छा खासा सेल होने लगेगा, लेकिन भाई दिन पर दिन गिरते ही जा रहा है इनका सेल। जैसे देखो ना आप ही, फरवरी के महीने में मात्र आपकी 4544 यूनिट बिकी भाई दोनों गाड़ियों कंबाइन। जनवरी में 5201 यूनिट बिकी थी, देख लो कितना गिरावट है, 657 यूनिट का गिरावट है भाई। तो इसीलिए मैंने बोला भाई बजाज वालों का कुछ नहीं हो सकता भाई, ये लोग सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। खैर तो यहाँ पे अपन सिटी 125X के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 6 कलर ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं, बाकी प्राइस अपने को मिलता है 86,663 रुपये तक ऑन रोड ड्रम वेरिएंट।
पावर की बात करते हो तो 10.7 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क, 60 kmpl तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी कर्बेट अपने को मिलता है 130 kg का। मतलब गाड़ी देखने वाइज ठीक लगती है भाई, लेकिन फिर भी लोग बाग उतना पसंद नहीं करते हैं। मैं तो बहुत कमी को देखा हूँ भाई 125cc वाला मॉडल यूज करते हुए, हालांकि 110cc वाला अच्छा बिकता है भाई। सेकंड नंबर पे भाई प्लेटिना सीरीज, हरदम की तरह फरवरी के महीने में इनकी प्लेटिना की 23,923 यूनिट बिकी भाई पूरे भारत भर में। जनवरी के महीने में 41,873 यूनिट बिकी थी, लगभग 17,950 गाड़ियां कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बताओ यार इतना गंदा हाल प्लेटिना का, 23,923 यूनिट, ओ माई गॉड। अभी प्लेटिना में भी अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं भाई, 110cc वाला, एक 100cc वाला। तो 110 के बारे में जान लेते हैं। तो 110 वाले मॉडल में अपने को 9 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 77,546 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर की बात करते हो तो 8.48 bhp का पावर मिलता है, 9.8 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा माइलेज अपने को मिलता है 70 kmpl तक, कर्वेट अपने को मिलता है 119 kg का। देखो भाई आप सभी अच्छे जानते हैं मैं प्लेटिना ओनर हूँ, 110 ऑन करता हूँ, तो मैं गाड़ी के बारे में हर चीज़ जान चुका हूँ भाई। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो तैयार किया, दो वीडियो तैयार किया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला, तो आपको वो कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। बात करते हो अगली गाड़ी की, तो फर्स्ट नंबर पे आई है भाई पल्सर सीरीज हमेशा की तरह। फरवरी के महीने में 80,106 यूनिट बिके भाई पूरे पल्सर सीरीज की कंबाइन। जनवरी के महीने में 84,279 यूनिट बिकी थी, लगभग 4173 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इसका भी वही हाल है। अभी यहाँ पे अपन पल्सर NS200 के बारे में जान लेते हैं, जो अपडेटेड मॉडल है ना उसके बारे में जान लेते हैं प्राइस वगैरह। तो उसमें अपने को 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 167,283 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से, जो कि ठीक है भाई सिंगल चैनल ABS के हिसाब से ठीक है। ड्यूल चैनल ABS लेने के लिए मेरे हिसाब से 175 तक आपको देना पड़ेगा। पावर अपने को मिलता है 24.13 bhp का, टॉर्क अपने को मिलता है 18.74 Nm का, माइलेज अपने को मिलता है 36 kmpl तक, बाकी कर्वेट अपने को मिलता है 160 kg का। देखो भाई NS200 को अच्छा खासा लोग बाग पसंद करते हैं भाई, मतलब पावरफुल मशीन एक तरह से बोलते हैं लोग बाग। 24.13 bhp कुछ होता है भाई, खैर अपडेट कर दिया उन्होंने, USD वगैरह डाल दिया तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई बजाज की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया ऑलमोस्ट। आई होप आप सभी को मजा आया होगा भाई। मिलते हैं कल किसी और कंपनी के साथ वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, वो दिल से।